हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जाहिद काजी है। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खास वीडियो लाया हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग आज ओप्पो का फ़ोन यूज़ करते हैं, जिसमें एक ओप्पो ऐप स्टोर होता है। जैसे वो ओप्पो ऐप स्टोर आपको हमेशा अपडेट करने के लिए कहता है। जैसे आप उसको अपडेट करते हो तो आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसी ऐप्स की जो फोल्डर्स होती है ये आ जाती है। ये हॉट ऐप्स है, उसके बाद में हॉट गेम्स है, ये आपके इसमें आ जाते हैं। अगर आप इसको अनइंस्टॉल करने जाते हो तो वो आपको अनइंस्टॉल करने का चांस ही नहीं देगा। जैसे आप इसके पर क्लिक करके रखते हो तो देखिए यहाँ पर ये डुओ रिकॉर्डर के ऊपर ये आया हुआ है क्रॉस मार्क, जिससे आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। मगर यहाँ पर इन दोनों में से किसी के ऊपर भी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसको हम अपने स्क्रीन से कैसे हटा सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ओप्पो ऐप स्टोर में जाना है। ये ऐड आई है, जैसे ही ऐड हटी है यहाँ पर देखिए नीचे में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, होम, गेम्स, ऐप्स, टॉप और जनरल। तो आप जनरल में जाओगे, जनरल में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है दूसरे भी। उसमें सबसे नीचे सेटिंग है, सेटिंग में ये देखिए आपको दिखाई देगा, यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ऑटो अपडेट ऐप्स। हम तो सबसे पहले इसको डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स पे क्लिक करेंगे, फिर बैक जाएंगे और ये जितने भी ऑप्शन टिक किए हैं यहाँ पर, ये देखिए इनको सबको अनटिक करना है, यहाँ पर, यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉट ऐप्स फोल्डर ऑन होम स्क्रीन। इसकी वजह से वहाँ पर वो स्क्रीन पर वो ऐप दिखाई दे रहे थे हमें। ठीक है, तो हमने इसको भी ये कर दिया है, सारे के सारे हमने हटा दिए। अभी देखिए इसके बाद हम जैसे हमारी स्क्रीन पे जाएंगे यहाँ से वो गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह आप आपके फ़ोन से ऐसी ऐप हटा सकते हो, वो भी ओप्पो ऐप स्टोर से आई हुई होंगी तो ही, बाकी दूसरे नहीं कर सकते, उसको अनइंस्टॉल के लिए ऑप्शंस आ जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ज़रूर इसमें आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।